अब भाई लोग मुझे तो पता ही नहीं चला हमारा देश इतना आगे कब बढ़ गया। अच्छा तुम पी ले, पीगा। मेरे को ऑफर कर रही है और क्या, खुद भी गलत काम। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, मेरा देश बदल। अब जहाँ तक मुझे पता चला ये क्लिप हमारे भारत के जयपुर की है। अब यहाँ पर एक लड़की टल्ली होकर अपने टैलेंट का प्रदर्शन करने लगती है लोगों के सामने, जो कि कोई टैलेंट है ही नहीं। अब ट्रैफिक तो जाम हो ही रहा था, लेकिन जरा सोच लो इसके जगह कोई लड़का होता ना भाई, पब्लिक ने क्या सूता होता। अब पहली बात तो ये महिला ऐसा कर क्यों रही है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन जो हो इसके पीछे ये तो चाहती है ना कि लोग इसे देखे। अब जो इसका वीडियो बना रहा है उसके पीछे भाग रही है जैसे उसे खा जाएगी। अब मैं एक दिन एक ठेके के पास से उदास गुजर रहा था, तो इस भले आदमी ने मुझे रोककर पूछा, भाई तुझे क्या हो गया। अब मैंने बताया, भाई दिल में बहुत दर्द है। तब जरा सुनो इस भाई ने मुझे क्या बताया। बहुत मशहूर है, कहता चले भी आओ हम से प्यार करते हैं, कहता चले भी आओ कि हम कम से प्यार करते हैं, ये वो गुनाह है जो बार बार करते हैं। अब इनका शायर सुन के मैं भी थोड़ा खुश हो गया, बोला भाई एक और हो जाए। कहता काश बनाने वाले ने दिल शीशे का बनाया होता, कहता काश बनाने वाले ने दिल शीशे का बनाया होता, कम से कम तोड़ने वाले के हाथों के निशान तो आया होता। अब यारो ये तो मुझे नहीं पता कि ये वीडियो स्क्रिप्टेड है कि नहीं, लेकिन अगर आप आसपास देखोगे तो ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जो आजकल ये सब करने लगी है। अब सड़क के बाजू में बैठकर ये दोनों भी 30 ml 90 ml खेल रहे थे, मतलब क्वार्टर बना रहे थे। अब एक बंदा इन दोनों की रिकॉर्डिंग करता है, तो भैया ये लड़कियां उस बंदे को ऑफर दे देती है, आ हमारे साथ बैठ जा। अच्छा तुम पी ले, पीगा। मेरे को ऑफर कर रही है और क्या, खुद भी गलत काम कर रही है, दूसरों को भी ऑफर कर रही है। हमें नहीं पीना भाई, तू ही पी। अब मित्रों हमारी देश की लड़कियां इतनी आगे बढ़ चुकी है, अब और क्या ही बचा है। देखा ना बांगड़ू, मेरी बीवी की मैंने बस एनिवर्सरी ही तो भूला था, सबके सामने मेरे को चप्पल से मारा, तू सुन रहा है ना बांगड़ू। हाँ भाई हाँ, चप्पल से तो मारा, साथ ही साथ बहुत सी गालियां भी दी, बता कौन सा पति इस दुनिया में ये सब सुनता है, तू सुन रहा है ना बांगड़ू। हाँ भाई हाँ, भाई आपका हो गया हो तो मैं आपको खा लूं। रुक जा दीख रे, मेरी बात तो सुन, बहुत कम है तेरे भाई के दिल में, क्या नहीं किया मैंने अपनी सविता के लिए बता तू। हाँ भाई हाँ, आपने सब किया, सुन लो दुनिया वालों, एक एनिवर्सरी ही तो भूला था, बहुत मारा मेरी बीवी ने मुझे रे। अब हमारे इस दुबले पतले भाई को देखकर ये मत समझ जाना कि धूप के कारण या गर्मी के कारण बेचारा सूख गया होगा। इस भाई के इस शक्ति के पीछे संतरे का कमाल है, वो भी देसी संतरा। अब जिन लोगों को समझ में नहीं आया, भाई तुम बहुत इनोसेंट हो, ऐसे ही रहना, आप लोग इस दुनिया के लिए बहुत अच्छे हो। अब हमारे ये भाई संतरा का जूस पीने के बाद गलती से पकड़े गए, तो कुछ नहीं भैया, दरोगा साहब ने जरा सा परेड करवा दिया। अब सच कहूँ तो विदेशों में लीगल एज के बाद पीना और टल्ली होना कोई बड़ी बात नहीं होती। अब यहाँ पर ये लड़की एक म्यूजिक कॉन्सर्ट से निकलने के बाद अपने होश में नहीं थी, बस हमारी बहन को लग रहा था मैं इधर चलूँ या उधर चलूँ, जहाँ भी चलूँ मैं पीछे चलूँ, पर जिंदगी में ज्यादा पीछे जाने का एक अंजाम होता है और दीदी ने भी वो देख लिया। ये बेवड़े भाई हमारे नींद से उठकर अचानक से सोचते हैं, आज भैया मुझे शराबी नेशनल पार्टी बनानी है। अब भाई हमारे पहले से इतने चालाक है, इन्होंने पहले से रणनीति बना रही है कि इनकी पार्टी कैसी चलनी चाहिए, जरा आप ही सुनो। हम सभी शराबी भाइयों को पूरे देश में इकट्ठा करके एक बड़ी रणनीति बनाएंगे, जिसमें एक पार्टी होगी, शराबी सदस्य होगा और शराबी ही अध्यक्ष होगा पार्टी का। अब चलो इसके बाद हमने भी पूछ लिया, अच्छा ये तो ठीक है, पर आपकी मांगे क्या है, तो जरा इनकी मांगे भी सुन लो। हम सरकार से ये बात रखेंगे, शर्त रखेंगे कि हमारा मॉडल अस्पतालों में इलाज होना चाहिए, सर गंगाराम, अपोलो और मैक्स और एम्स जैसे बड़े अस्पतालों में इलाज हो, और जब तक हमारा मेडिकल उपचार चलता हो सरकार हमें पेंसिल बांधे। अब यहाँ अपने भाई का डांस देखकर तो यही लगता है कि आज ये नाग अपनी मनी लेकर ही मानेगा। भाई पता नहीं हर शादी में शराबियों का झुंड आता ही आता है, ये लोग आसमान से टपकते हैं या फिर जमीन से निकलते हैं पता नहीं, पर जो बोलो देसी शादियों में माहौल जरूर बना देते हैं। अब यहाँ पर हम एक आदमी को देख रहे हैं जो अपने दो अच्छे दोस्तों के साथ बातें कर रहा है, लेकिन इन खास दोस्तों से बात करने की शक्ति बस दड़ुओं के अंदर ही होती है। तो दोस्तों आशा करूंगा वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक लाइक कर दो, और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मजेदार वीडियो के साथ।